गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है, कल भी एक कमेंट आया कि मैम फेशियल स्टेप्स हमें बताइए, वो भी आराम आराम से करके बताइए। वैसे तो मैंने बहुत सारी फेशियल वीडियो डाली हुई है और बहुत ही डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आज की वीडियो से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो मैं पूरा फेशियल बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली, सिर्फ आपको स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। करते हुए भी चलूंगी, बताते हुए भी चलूंगी, मतलब बता बता के एक एक स्टेप्स आपको मैं दिखाने वाली हूं। तो आज की वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा सारी चीजें कि किस तरीके से आपको फेशियल में हाथ चलाने होंगे। तो चलिए बिना ज्यादा बात के हम लोग सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जो भी फेशियल करेंगे उससे इस तरीके से प्रोडक्ट को निकालेंगे और अप्लाई करेंगे फेस पे, ठीक है। क्रीम को अच्छे से लगाने के बाद में सबसे पहले हम फिंगर टिप को अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से वाटर लेना है और सबसे पहले क्रीम को ऐसा हम पूरे फेस पे फैलाएंगे, ये देखिए। और जब हमारी फिंगर्स अच्छी गीली होती है ना तो बहुत ही अच्छे से वो स्लिप भी होती है। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगाते रहेंगे और स्टार्टिंग हम नेक से करेंगे यहाँ पे और फेस को ऐसा ऊपर रखेंगे और ये देखिए इस तरीके से, ऐसे ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ चलेंगे यू और पूरे फेस पे ऐसा मसाज करते हुए जाएंगे। उसके बाद में यहां से ये जो हमारी फिंगर होती है यहां ऐसा रखेंगे और इस टाइप से देखें। तो जिनको भी यहाँ पे डबल चिन की प्रॉब्लम हो जाती वो नहीं होगी, और जो लोग मसाज करवाते रहते ना उनको तो वैसे भी नहीं होती क्योंकि अच्छे से मसाज होते रहती फेस पे। ये भी एक एक्सरसाइज ही होता है जो कि फेस के लिए बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से करेंगे, ये देखिए तीन ऐसा दो फिंगर को यहां पे लगाना है और एक को इस टाइप से अपने थंब को ऊपर में और ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, ये देखो ये फिंगर को ऐसा रखेंगे, ऐसा स्लिप करेंगे, फिर ऐसा स्लिप करेंगे, ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे। हाथों का मूवमेंट आप अच्छे से देखते हुए चलिए कि कैसे करना है। फिर यहां पे रखेंगे इन ये वाली जो उंगली है यहां पे रहनी चाहिए और इसको यूं, ये देखिए इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे अपर लिप पे तो यहां की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपने जो नेल्स हैं वो बिल्कुल छोटे रखें क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे हाथों को इतना आइडिया नहीं होता है तो यहाँ पे लगने का डर होता है, इस वजह से छोटे रखें। और मेरी क्या है कि अच्छी प्रैक्टिस है, जो लोग डेली काम करते हैं तो उनको प्रॉपर आइडिया रहता है तो उनसे कभी भी ऐसा गलती नहीं होता है। तो इस तरीके से करेंगे, धीरे धीरे से हल्का हल्का सा स्पीड को बढ़ाएंगे। जैसे इस तरीके से करोगे तो ऐसा नहीं कि बार बार बस ऐसे ही ऐसे, उसको थोड़ा सा हल्का स्पीड रखनी, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। ये देखिए थंब की हेल्प से भी ऐसा करेंगे हम। तो ये हो गया है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे यहां पे, तो हम इस तरीके से अपनी फिंगर टिप से यू हम मसाज करेंगे, ये देखो इस तरीके से करेंगे। आपने नोटिस किया कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ओके, नेक से स्टार्ट की हूं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे। उसके बाद नोज को क्लीन करने के लिए ऐसा फिंगर को यहां पे रखे रहेंगे और वन वन फिंगर यहां पे लगाएंगे और ये इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ मसाज करते हुए लेके जाएंगे। अब यहां इसको क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, तरीके से थंब को रखेंगे अंगूठे को और यहां पे सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ। आप नीचे करोगे तो वो क्लीन नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो ये जो है जितने भी ब्लैक हेड्स वगैरह हैं यहाँ के वो अच्छे से क्लीन होंगे। ये देखिए इस टाइप से करते हुए चलना है, इसकी हेल्प से ये जो होता है ना इसको यहां पे ऐसा रखेंगे तो ठीक है ऐसा, और यूं इसको राउंड राउंड धीरे धीरे ऐसा घुमाएंगे।
और उसके बाद इसको स्ट्रेट इस टाइप से मसाज करें तरफ के अंगूठे की हेल्प से। ये देखिए, दबाना नहीं है, यहां पे आपको दबाव नहीं देना है कि नोज ऐसे बंद नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि मैं ऐसा की हूं तो भी नोज पूरी तरीके से ओपन है। इसका आप ध्यान रखेंगे कि क्लाइंट पूरी तरीके से रिलैक्स फील करे। यूं ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब हम आ जाएंगे आइस पे। आइस पे देखिए, हाथ को इस तरीके से रखेंगे और यूं मसाज कर यहां पे इस टाइप से करेंगे। हाथों को गीला करते हुए चलेंगे और पूरी मसाज हम अपनी फिंगर टिप की हेल्प से ही करें। हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बहुत ही हल्के हल्के से आइस के ऊपर करेंगे। आइस पे बिल्कुल भी दबाव नहीं देना है, आराम से करेंगे। और ये जब हम करते ना तो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता है। यहाँ पे फॉरहेड पे फिर टू फिंगर्स को यूं ऐसा रखेंगे यहाँ पे, ऐसा फिंगर को इसके बीच में, और हम ऐसा करते हुए नीचे की तरफ डाउन करेंगे, फिर इधर डाउन करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे इस तरीके से। तो जो चीजें आप मैं बोल के समझाऊंगी आपको समझ नहीं आएगा, तो वो सारी चीजें आप वीडियो में देख के ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो 3-3 टाइम आपको ये प्रोसेस करना है, 3 बार इस तरफ से, 3 बार इस तरफ से। मतलब ये देखिए, ऐसा करेंगे और हाथ को ऐसा लगाएंगे और यूं ऐसा, देखा ना कितना इजी है। अब हम आपको बता रहे हैं पॉइंट्स दबाने के लिए। पॉइंट्स दबाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये होता है हमारे आईज के आइट साइड में, सबसे ज्यादा ब्लैक डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती, काफी ज्यादा काला काला हो जाता है। तो इनको रिलैक्स देने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसा फिंगर को रखेंगे और धीरे धीरे इस टाइप से हम इसको दबाएंगे, हल्का हल्का सा, ज्यादा प्रेशर नहीं, आपको हल्का हल्का सा से दबाव देना है यूं। और यहां पे ऐसा लाके इसको इस टाइप से करेंगे, ये देखिए, ओके। फिर हम क्या करेंगे, अपनी थंब की हेल्प से यहां पे अंगूठे को रखेंगे और यूं राउंड राउंड राउंड, जैसे गोला बनता है ना उस तरीके से हम इसको ऐसा, और यहां पे देख सकते हैं आईब्रो में आपको इस तरीके से रखनी है अंगूठे को और यू ऐसा करना है। जब इसको आप जल्दी में करेंगे तो थोड़ा सा यू यू करते हुए ये, ठीक है। आप एक बार इसको आराम से समझ लीजिए, फिर आप इसको हल्का सा फास्ट कर सकते हो, लेकिन जब आइस के पास तो वैसे भी आपको आराम से ही करना होगा। इस टाइप से, ओके। साथ ही साथ हम कान पे भी मसाज करेंगे, तो कान पे करने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और यूं इसको धीरे धीरे मसाज करेंगे हल्के हल्के से, ठीक है। और पीछे की तरफ ऐसा, इसके बाद में हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे हल्का सा ऐसा और 3 बार ऐसा, 1, 2 एंड 3, फिर एक बार 1 ऊपर की तरफ, 2 एंड 3। ये जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा आराम लगता, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद में फिंगर को रखेंगे और यू इसको इस तरीके से हम, इसको हम टैपिंग मूवमेंट बोलते हैं। इससे ना एक वाइब्रेशन सी फेस पे फील होती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इवन होता है, तेजी से बढ़ता है। तो जब हम मसाज करते हैं तो वो जो है सब अच्छे से काम करने लगती है मांसपेशियां, और ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका फेस अच्छे से ग्लो करेगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मसाज भी देनी होगी। और ये वाला अगर आप करते हो ना इस तरीके से, तो डबल चिन की लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ जब हम यहाँ पे आइस के ऊपर ऐसा करते हैं ना यूं, यहाँ पे हल्का सा दबाव पड़ता है, ये देखिए। आपने देखा होगा कि जब लोगों की धीरे धीरे एज होने लगती है तो ये वाली हड्डियां निकलने लगती हैं,
यहाँ पे जो लोग मसाज नहीं करवाते हैं उनकी, लेकिन जो लोग फेशियल मसाज लेते रहते हैं तो उनका ये चीज निकलता नहीं है। तो वो मसाज होने की वजह से वो बिल्कुल फेस की जो हड्डियां ना वो बढ़ती नहीं, प्रॉपर शेप में रहती हैं। तो इस वजह से भी फेशियल बहुत जरूरी होता है। फेशियल सिर्फ गोरे होने के लिए नहीं किया जाता, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको करने से फेस का शेप भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसा फेस पे हाथ को रखेंगे और यूं यूं ऐसा करेंगे। उसके बाद में देखिए टू फिंगर्स को यहां पे ऐसा रखेंगे और ऐसा देखिए ये इसको इस तरीके से घुमाएंगे राउंड राउंड, एक दूसरे को क्रिश क्रॉस करेंगे। ये देखिए यहां पे ऐसा दो फिंगर ऐसा रखनी है दो उंगलियों को, और ऐसा फिर ऐसा एक दूसरे को हम क्रॉस करेंगे। ये देखिए ठीक है इस टाइप से। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा धीरे से आप पहले समझ लीजिए कि करना कैसे है, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं। लेकिन जब हम करेंगे तो इसको थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट, ये देखिए इस टाइप से करेंगे। जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो हाथ भी बहुत अच्छे से चलते हैं, साथ ही साथ नेक को भी करते चलेंगे। तो इसको ऊपर की तरफ ही लेके जाएंगे हम, तो फेशियल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको फिनिश करना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से लास्ट में आपको फेशियल को फिनिश करना है और उसके बाद में ही आप इसे क्लीन करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फेशियल के स्टेप्स आपको किस तरीके से पूरे फेस पे करने हैं, ठीक है। और बाकी पूरा फेशियल तो मैं ऑलरेडी आप सबको दिखा चुकी हूँ, टाइमिंग वगैरह सब कुछ उसमें बता चुकी हूँ। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्टेप्स के बारे में जानकारी दी हूँ कि आप किस तरीके से इसे करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के बाद में आपको सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएंगी। और मेन स्टेप्स तो सिर्फ क्रीम में ही हमें करने होते हैं, बाकी पूरे में जो है जैसे स्क्रब हो गया, क्लिंजर हो गया, इन सब में तो पूरा नॉर्मल स्टेप्स होते हैं, मेन हमको क्रीम के ऊपर ही देना रहता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अच्छे से देखिए और सीखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा, दूसरों के पास भी ये वीडियो पहुंचेगी तो लोग देखेंगे और आसानी से चीज़ों को सीख भी पाएंगे। तो चलिए कल और मिलती हूँ अपने वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर। तो देखिए कितना अच्छे से ग्लो भी आ गया है फेस पे।